पाकिस्तान में सदियों पुराने जैन मंदिर या तो अब खराब हालत में हैं या फिर सरकार उनकी देखरेख कर रही है। भारत की सीमा से लगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कई जैन मंदिर को अब सिंध प्रांत की सरकार ने दोबारा ठीक करने का काम शुरू किया है। देखिए बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान की रिपोर्ट। इस मंदिर में कई दशक पहले जैन धर्म के भजन गूंजा करते थे, लेकिन अब यहाँ हिंदू देवी देवताओं का वास है। भारत के साथ लगी पाकिस्तानी सीमा में बसे इस मंदिर को गौरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता असल में है। ये जगह वास्तव में ये स्वामी पारसनाथ का मंदिर था। जैन धर्म के लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते। ये मंदिर 800 साल पहले बना था। इसके दोनों तरफ 12-12 कमरे हैं। वो हर कमरे में अलग अलग बैठकर पूजा किया करते थे। यहाँ उनके अवतारों के भी चित्र हैं। पारसनाथ का ये मंदिर बहुत सालों तक जर्जर अवस्था में था, लेकिन अब सिंध सरकार ने इसकी मरम्मत करवा दी है। इस मंदिर के बीच में एक बड़ा गुम्बद है और 24 छोटे गुम्बद है, और अंदर जैन धर्म के 24 अवतारों की तस्वीरें हैं। नांगर पार कर शहर के इस मंदिर को भी दोबारा ठीक किया गया है। इस इलाके में करीब एक दर्जन जैन मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ इस मंदिर में पारसनाथ की मूर्ति है। पारसनाथ की ये मूर्तियां मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान पाई गई हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक 13वीं से 16वीं शताब्दी तक नांगर पार कर जैन धर्म का केंद्र हुआ करता था। जैन धर्म पहली सदी ईस्वी से कुछ रवायत के मुताबिक यहाँ से जैन धर्म का जो वो मिलता है कि यहाँ जैन धर्म वाले थे, उसको पाटनगर के दौर से जैन वाले यहाँ थे, और पार्टीशन तक बुजुर्ग बताते हैं कि पार्टीशन से पहले तक कुछ जैन यहाँ रह गए थे जो इधर थे, वो फिर पार्टीशन के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। पाकिस्तान में अब जैन धर्म का शायद ही कोई रहता हो, लेकिन इस मंदिर को देखने के लिए सभी धर्मों के लोग आते हैं।